हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। यह मेरा आईमैक है, मैं इसका लॉगिन पासवर्ड भूल गया हूँ। यह प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है जब आप अपने मैकबुक या आईमैक का पासवर्ड भूल जाएंगे। तो आइए इसे रीसेट करते हैं बिना किसी डाटा लॉस किए बिना। हाँ दोस्तों, इसे हम कर सकते हैं, इसे बिना फॉर्मेट किए भी इसके पासवर्ड को हम रीसेट कर सकते हैं। इसे रीस्टार्ट करता हूँ। अब हम अपने कीबोर्ड का कमांड और आर बटन को दबा के रखेंगे जब तक एप्पल का लोगो ना आ जाए। इसे हम रिलीज कर देंगे एप्पल लोगो आने के बाद। इस तरह हमारा मशीन रिकवरी मोड में बूट होगा। यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप यूटिलिटी और टर्मिनल कमांड को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है, रीसेट पासवर्ड। उसके बाद आप इंटर मारिए, एक अलग से विंडो रीसेट पासवर्ड का खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपने यूजर अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड, उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड, नीचे में आप हिंट, एक नया पासवर्ड देख के आप इसे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, योर यूजर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन रीसेट। उसके बाद रीस्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, मशीन रीस्टार्ट होगी। आप जो पासवर्ड वहाँ पे नया वाला दिए हैं उसे यहाँ पे इंटर कीजिए। देखिए आपका मशीन बूट हो चुका है। यहाँ पे तीन ऑप्शन देगा, करेंट लॉगिन, न्यू यूजर लॉगिन, तो आप की चैन अपडेट आप न्यू यूजर लॉगिन में करके आप इसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।